देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, गार्डन की हालत बहुत अच्छी है, सारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और मोस्टली प्लांट जो है उन सब पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और हमारी बर्ड देखिए वहाँ कोने में आराम से लहरा रही है। तो आज मैं आपको एक बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊँगी। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बट ये बहुत अच्छा होता है, सभी प्लांट में आप इसको डाल सकते हो, एक तरह से ये टॉनिक होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो जादुई पानी, टॉनिक बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं। और मैंने इसको वेस्ट चीज़ों से बनाया है, जो हमारे घर में से वेस्ट चीज़ें निकलती हैं उन्हीं से बनाया है। आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। तो मैंने ये जो बनाया है, मैंने इनको बनाया है नींबू के छिलके से। लास्ट ईयर मैंने नींबू का अचार डाला था बहुत ज़रा सा, तो उसी के 5-6 मैंने इसमें पीस लिए हैं और उसी से मैंने इसको बनाया है। और इसको मैंने बनाया था आई थिंक 6 मंथ हो गए हैं। हाँ जी, 6 मंथ हो गए हैं। आप जब इसको बनाओगे तो आप इसके ऊपर यहाँ डेट लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा। ये है इंजाइम, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है बट मैं इसका यूज़ सिर्फ अपने गार्डन में ही करती हूँ। आप गूगल करके देख लेना, इसके डिफरेंट यूज़ हैं। तो इसको बनाना बहुत ईजी है। पहले मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। हमने एक बकेट में पानी लिया है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में हम इसे लेंगे और डाइल्यूट करके अपने सभी प्लांटों में इसको डालेंगे। ये देखिए, ऐसे अंदाजे से आप डाल सकते हो या कोई कप वगैरह ले सकते हो आप उससे। ये मेरा जो है काफ़ी बार मैंने यूज़ कर लिया है, तो ये बहुत लाइट है, ज़्यादा मोटा या डार्क नहीं है, तो काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसे। तो देखिए पानी का कलर आपको दिख रहा है, काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है। जितने भी पॉट हैं आपके छोटे बड़े, आप उनके अकॉर्डिंग इसको पानी डाल दीजिए, जिसको जितना पानी चाहिए उतना डाल दीजिए। और आप इसका यूज़ आप आई थिंक मैं इसे महीने में 2 बार ही यूज़ करती हूँ, तो आप भी 2 बार ही यूज़ कीजिए, इसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा है। ये प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ाएगा, ये साथ में जो लीव्स होती हैं उनके कलर को भी डार्क करेगा, लाइट नहीं होंगे सारे। मोस्टली अधिकतर जितने भी प्लांट होंगे सबके कलर को, लीव्स के कलर बिल्कुल डार्क आएंगे, डार्क ग्रीन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसकी बात कर लेते कि हमने ये कैसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इसे बनाया था, आप भी जब इसे बनाओगे तो एक ऐसी खाली आर पार दिखने वाली बोतल ले लेना, कांच की मत लेना, आपको ये ध्यान रखना है। कांच की लोगे तो वो बोतल क्रैक हो जाएगी, आपको ऐसी प्लास्टिक की कोई भी बोतल ले लेनी है। और इसमें जो भी आपके किचन से वेस्ट चीज़ें निकलती हों, फ्लावर से भी आप बना सकते हो, अगर आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर हैं तो आप उनको भी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई भी सब्जी ली है, उसको पिल किया है, उसके जो छिलके हैं आप उससे बना सकते हो। जैसे कि मैं बता देती हूँ, जैसे हमने सीताफल लिया, उसके बहुत सारे पार्ट निकल जाते हैं, करेले लिया उसका ले सकते हो आप, या हमने मटर लिए हैं उनके छिलके, या तो आप अलग अलग बना सकते हो, या सबको एक ही जगह एक ही बोतल में भर दीजिए और उसको ऊपर से इतना फिल कर लीजिए, ठीक है। नीचे रख कर दिखा देती हूँ मैं, आप ऊपर से उसको इतना फिल कीजिए। फल आया है, फल के छिलके से बना लीजिए। मौसम अभी तो जैसे सीजन चेंज होते हैं, बहुत सारे फल आते हैं, किसी भी फल का आप बना सकते हो, या सब कुछ एक ही जगह मिक्स करके उसको भी बना सकते हो और अपने गार्डन में उसका यूज़ कीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लग, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाना के पिल ले लिए हैं, बनाना को छील लिया है, ठीक है। मेरे पास कच्चा बनाना था जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, तो मैंने उसको छील लिया है। और यहाँ सामने देखिए, मैंने एक बोतल में पानी भर कर रखा है और मैं इसमें आपको एंजाइम बनाना बताती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम सिंपली बस ये अपने जो छिलके हमने लिए हैं, किसी भी सब्जी के हो सकते हैं, बस आपको इनको बोतल में डालना है ऐसे। आप इनको छोटे छोटे कट भी कर सकते हो, मैंने इनको ऐसे ही लिया है। ये देखिए, जो हमारा बनाना के जो छिलके हैं इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है, तो हमारे प्लांट में, किसी भी प्लांट में अगर कैल्शियम की कमी है तो वो इससे दूर हो जाएगी। तो मैं ये सारा भर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको भरकर ऊपर तक रेडी कर लिया है, इसको हम साइड कर देते हैं। अभी इसमें एक और चीज़ मिलानी है, उसी की वजह से हमारा इंजाइम बनेगा। दूसरी बोतल में मैंने पानी फिल कर लिया है और यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास मिक्स सब्जी है बट इसमें से मैं पोटैटो लीव्स लूँगी, सॉरी लीव्स बोल रही हूँ, पोटैटो पील, जो पोटैटो का छिलका होता है वो लूँगी, क्योंकि पोटैटो के छिलके में पोटैश ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये जो हमारा एंजाइम बनेगा इसमें पोटैश जो होता है भरपूर मात्रा में होगा। तो बहुत सारे प्लांट को पोटाश की भी ज़रूरत होती है, मुझे ये सब इतना नहीं पता है बट हमारे प्लांट को पोटाश मिल जाएगा इससे। तो मैं ये सारे अपने बोतल में फिल कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और दोनों ही बोतल पर मैं डेट मेंशन कर दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि कितना टाइम इनको हो गया है मुझे
बोतल में भरे हुए। तो मैं दोनों को भर लेती हूँ इनको अच्छे से, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत सारे अपने पोटैटो के छिलके इसमें भर दिए हैं, बहुत सारे। आप मिक्स सब्जियों का भी बना सकते हो या फिर किसी फ्रूट का भी बना सकते हो, वेस्ट चीज़ों से ही हम सारा इसको बना रहे हैं। तो ये देखिए, हम बस मैं इतना बनाऊंगी, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो जायगरी जिसे हम बोलते हैं, गुड़। देसी वाला गुड़ हो तो और भी अच्छा है, अगर देसी गुड़ नहीं है तो आप कोई भी गुड़ इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए, बस आपको इतने से गुड़ की ज़रूरत है। ये वाली बोतल छोटी है तो मैं इसमें इतना गुड़ डाल रही हूँ, पीछे वाली बोतल थोड़ी बड़ी है तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा सा गुड़ डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें मैं इतना गुड़ डालूँगी क्योंकि ये बड़ी बोतल है। और बस हमें इसमें क्रश करके बोतल के अंदर इनको डाल देना है, और ड्रिल लगाकर अच्छे से सेक कर देना है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि हमें 24 घंटे में एक बार इसका लिड निकाल कर और इसके अंदर की जो गैस है, एयर है, वो हमें बाहर निकालनी है। तो पहले हम इनका लिड लगा देते हैं, और रोज़ आपको करना है ऐसा ही। मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता चुकी हूँ, तो रोज़ ऐसा ही करना है। बस इसको ऐसे हिला दीजिए, और मैं इसके ऊपर डेट लिख दूँगी। ये देखिए, ये एंजाइम के ऊपर आप सर्च करके देख लेना, बहुत सारे यूज़ हैं इनके। तो ये देखिए, हमारे दो एंजाइम बनकर रेडी हो गए हैं, और ये सारे वेस्ट चीज़ों से ही हमने बनाए हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है आपको उससे भी प्रेस करना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसे आपको ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं उतने व्यू नहीं आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।